हेलो स्टूडेंट्स एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट ठीक है एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फर्दर मोर टॉपिक्स विच इज गिवेन इन योर बुक सो हियर इज आवर टॉपिक दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट न्यूट्रिशन मीन सबसे पहले समझते हैं क्या होता है ये होता है न्यूट्रिशन मीन्स पोषण तो इसका मतलब और ये क्या दिया हुआ है इन प्लांट मतलब पौधों में तो टोटल तो टॉपिक का हमारा क्या अर्थ निकला पौधों में पोषण कैसे होता है हम लोग अपने इस चैप्टर में पौधों में पोषण के बारे में अच्छे से डिस्कस करके समझेंगे चलो सबसे पहले हम लोग का क्या दिया हुआ है फूड इज इसशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या दिया हुआ है कि जो भोजन है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए क्या होता है बहुत ही जरूरी होता है बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है क्यों क्योंकि बिना भोजन के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एनर्जी नहीं मिलेगी और ये फैक्ट है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सरवाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलता है फूड से मिलता है तो जो एनर्जी हमको फूड से मिलेगा वो एनर्जी कौन यूज करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट्स वाई द फूड इज इसल कॉम्पोनेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है और भी देखो क्या यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड मतलब क्या है जो कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन है फैट है विटामिन और मिनरल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्पोनेंट बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं भोजन के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सिर्फ प्लांट के बारे में नहीं है यहाँ पर मैं डिस्कस अभी कर रही हूँ कि द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज गोइंग टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे होते हैं उनके बारे में अभी बात हो रही है ठीक है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले तो जो ये पांचों कॉम्पोनेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसका फूड का और इस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं दिज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट मतलब जो ये कंपोनेंट है पांचों इस पांचों कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं द न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड एंड दिज न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी जैसा कि मैंने बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी कहाँ से मिलता है फूड से मिलता है और फूड में क्या होते हैं न्यूट्रिय होते हैं समझ आया ठीक है क्या देखा है हम लोगों ने अब देखो क्या दिया हुआ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या जरूरत होती है फूड की भोजन की जरूरत होती है इसमें से जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन खुद कैसे बनाते हैं खुद से बनाते हैं सेंथेसाइज फूड फॉर देम लेकिन बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूम्स कैन नॉट लेकिन जो एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमन्स होते हैं वो जो है अपना भोजन खुद से नहीं प्रिपेयर कर कर पाते हैं वो किस पर डिपेंडेंट रहते हैं प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं मतलब कि जो भी एनिमल्स में हो गए जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स जितने भी एनिमल्स तुम सारे कैटेगरी के एनिमल के ले लो ठीक है ये हो गया इंसेक्ट ठीक है ये क्या हो गया इंसेक्ट ये हो गया एनिमल ये हो गया बर्ड ये हो गया ह्यूमन्स क्या दे गेटेड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट मतलब जितने भी आगे इसी चीज को बताया एनिमल्स और जो ह्यूमंस हैं वो कहाँ से अपना भोजन लेते हैं या तो एनिमल से लेते हैं या फिर प्लांट से लेते हैं थर्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट इस चीज को हम लोग ये जो लाइन है ये जो सेंटेंस है इसको हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है इसमें ये कह रहा है कि जो ह्यूमन है और जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली कहो या फिर इनडायरेक्टली कैसे किस पर डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं कैसे समझो ये हो गया प्लांट ठीक है तो हम लोगों ने यहां देखा एनिमल्स तो एनिमल्स के केस में ले लो तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ग्रास एटिंग या फिर प्लांट एटिंग एनिमल होते हैं ठीक है थीके? तो जो प्लांट एटिंग एनिमल होते हैं वो उनको क्या करते हैं वो तो खुद को सर्वाइव करने के लिए पौधों को खाए घास को खाए ठीक है उन्हें एनर्जी मिली वो जीवित रहे उसमें से कुछ एनिमल को क्या करते हैं जो फ्लैश शूटिंग एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं कि उन एनिमल्स को खा करके अपनी भूख मिटाते हैं एनर्जी लेते हैं ठीक है अब आते हैं इंसेक्ट केस में इंसेक्ट में से बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि मतलब पौधों के पेड़ पत्तियों को या फिर फल जो भी होते हैं उसको खाते हैं कीड़े कहा जाता है बहुत छोटे छोटे और उसमें से जो बड़े इंसेक्ट होते हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट को खाते हैं तो ये क्या हो गया डिपेंडेंट हो गए एक दूसरे पे फिर इसमें से आ गए बर्ड्स बर्ड्स में भी बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो कि फ्रूट्स को खाते हैं ठीक है जो प्लांट्स से जो जो भी फ्रूट्स आते हैं उसको खाते हैं और उसमें से कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं जो कि उन बर्ड्स को खाते हैं ठीक है ह्यूमन्स में आ गए जो कि ह्यूमन्स बहुत सारे ह्यूमन्स के लिए तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि प्लांट्स से ऑप्टेन होते हैं ठीक है और कुछ Humans, वो भी होते हैं जो कि फ्लैशिंग भी होते हैं ठीक है तो हम ये क्या देखें कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो जितने भी मतलब एनिमल इंसेक्ट बर्ड ह्यूमन या या तो वो फ्लैशिंग हो या फिर डायरेक्टली वो प्लांट से अपना भोजन लेते हो आखिर डिपेंड किस पे हुए प्लांट पर ही डिपेंडेंट हुए क्योंकि ये जो फ्लैश खा रहा है वो कौन से एनिमल को खाया जो प्लांट को खाता है तो यानी कि ये प्लांट को खाया तभी तो खुद को सरवाइव किया तब इस वो एनिमल को जो फ्लैश एटिंग एनिमल है वो खा पाया तो आइदर द एनिमल्स ह्यूम और एनिमल्स दे टेक देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट समझ आया चलो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है बोझो wants टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड अब ये समझना है अब तो हम लोग यहाँ पे समझ गए कि न्यूट्रिशन क्या होता है nutrient प्रोडक्ट क्या होते हैं और ये क्यों जरूरी होता है और प्लांट जो होते हैं हम लोग यहाँ पे ये भी समझ लिए कि मतलब जो प्लांट होते हैं अपना भोजन खुद से बनाते हैं और जो ह्यूमन हो गए और जो अदर एनिमल्स हो गए वो डायरेक्टली या तो प्लांट से अपना भोजन लेते हैं या फिर इनडायरेक्टली लेते हैं लेकिन वो डिपेंडेंट किस पे रहते हैं प्लांट पर ही डिपेंडेंट रहते हैं अब इसमें क्या दिया हुआ है कि आगे में हम लोग को पढ़ना है कि आखिर जो प्लांट हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं अब हम लोग समझते हैं आगे क्या दिया हुआ है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट मतलब जो प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है प्लांट का प्लांट में जो होता है पोषण कैसे होता है अब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे देखो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म फूड फॉर देम सेल्फ मतलब जो प्लांट है वो सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना भोजन खुद से बना सकता है बाई यूजिंग वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल जो कि कहाँ से मिलता है जो मतलब जो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स ये सारी चीजों को यूज करके अपना प्लांट जो होता है भोजन बनाता है और ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं नेचर से मिलती हैं ठीक है तो देर इज नो एनी रिक्वायरमेंट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर लिविंग ठीक है तो अब आगे देखते हैं द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स और क्या चीज़ को यूज करता है जो रॉ मटेरियल्स हमारे सराउंडिंग में मतलब पेड़ पौधे जो पेड़ पौधे हैं उसके आसपास जो भी रॉ मटेरियल प्रेजेंट रहता है उसको यूज करके बनाते हैं अब यहाँ पे देखो एक आ रहा है रॉ मटेरियल आखिर ये होता क्या है एज फॉर एग्जाम्पल तुम ले लो कि आ, घर में बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं जो सब्जी बनी है ठीक है सब्जी में लाइक कॉलीफ्लावर है ठीक है कॉलीफ्लावर पोटैटो एंड मैनी अदर थिंग्स तो जो सब्जी बनी वो क्या हो गया प्रोडक्ट है ठीक है और जो ये सारी चीजें कॉलीफ्लावर पोटैटो एंड uh, uh, जो भी मसाले जो भी यूज हुए वो किस चीज में आ गए रॉ मटेरियल्स तो हम लोग यहाँ पे क्या समझे रॉ मटेरियल्स को यूज करके क्या बनता है प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट क्या मिला हमें सब्जी तो ऐसे ही प्लांट के केस में जो भी रॉ मटेरियल्स में आ गया उसका वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिनरल्स ये सारे प्लांट के आसपास प्रेजेंट रहते हैं सनलाइट हो गया ये सारी चीजों को यूज करके क्या बनाता है प्लांट जो है अपना भोजन बनाता है देखो यहाँ पे अब समझना ये है कि जो आखिर न्यूट्रिएंट जो होते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे मतलब भोजन में पाए जाते हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है ठीक है देखो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज वो क्या करते हैं हेल्प करते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको मतलब उनकी उनके ग्रोथ में उनके डेवलपमेंट प्रोसेस में हेल्प करते हैं टू ग्रो टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी जैसे कि मतलब आ, कोई भी सेल जो हो गया डेड सेल हो गया तो उसको क्या करते हैं ये सारे न्यूट्रिएंट हेल्प करते हैं टू रीबिल्ड द सेल्स जैसे कि अभी हम लोग प्लांट के बारे में समझ रहे हैं तो प्लांट का ही एग्जाम्पल लेंगे जैसे कि हम लोग क्या होता है कभी कभी प्लांट्स के कुछ ब्रांचेज टूट जाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट ही होता है जिससे मतलब जिन सब न्यूट्रिएंट्स को यूज करके जो प्लांट है अपना भोजन बनाता है वही न्यूट्रिएंट क्या करता है हेल्प करता है वो ब्रांचेस को डेवलप करने में ठीक है तो क्या दिया हुआ है कि जो न्यूट्रिएंट है वो क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं कि अपने जो भी डैमेज पार्ट हैं या फिर जो भी मतलब डैमेज पार्ट नहीं भी है तो छोटा पौधा है तो न्यूट्रिय न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट उसको मिलेगा उसको पोषण मिलेगा तभी तो वो ग्रो करेगा बढ़ेगा तो इन सारी चीजों को बढ़ने में ग्रोथ में डेवलपमेंट प्रोसेस में न्यूट्रिय क्या करते हैं हेल्प करते हैं एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस जो भी लाइफ प्रोसेस में लाइक like रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गया और भी सेल्स में भी होते हैं सेल्स में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो गए एब्जॉर्बशन डाइजेशन इजेशन ये सारे प्रोसेस में क्या करता है हेल्प करता है न्यूट्रिय प्रोडक्ट न्यूट्रिशन अब अब देखो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म क्या दिया हुआ है न्यूट्रिशन क्या होता है न्यूट्रिएंट तो हम लोग समझ गए जो भी फूड कंपोनेंट में जो भी चीजें मतलब कार्बन सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन फैट्स मिनरल्स प्रेजेंट रहेंगे तो उन सारे जो भी फैट्स मिनरल्स हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहेंगे और न्यूट्रिशन क्या हो गया इज द मोड मतलब मोड ऑफ टेकिंग द प्रोसेस बाय विच मतलब जिस मोड ऑफ टेकिंग मतलब फूड जो होता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो लिया जाता है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस कहते हैं मतलब जैसे हम कार्बोडा किसी फ्रूट में मान लो किसी फ्रूट में एप्पल में हो गया आयरन प्रेजेंट रहता है तो हम एप्पल खाए तो हमने आयरन लिया तो हमारा क्या हो गया न्यूट्रिशन मतलब वो हमारा न्यूट्रिशन हो गया जब हम जो हम लोग उसको खा रहे हैं वो हमारा न्यूट्रिशन हो गया और जिस चीज को हम लोग खा रहे हैं वो हमारा क्या हो गया न्यूट्रिएंट हो गया एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी मतलब हम उसको लिए और मतलब न्यूट्रिएंट को हम लिए और उसको खा करके जो भी मतलब हमारा बॉडी जो है सरवाइव करने के लिए उसको यूटिलाइज करता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं न्यूट्रिशन कहते हैं अब देखो और भी चीज पढ़ना है क्या कि आ, जो डिफरेंट मोड्स होते हैं मतलब तो हम लोग ने ये तो पढ़ लिया न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या होता है न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट को लेना और उसको यूटिलाइज करना ठीक है अब देखो इसमें अलग अलग तरह के मोड्स होते हैं देखो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फ्रॉम सिंपल सब्सट मतलब वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपना भोजन खुद से बनाते हैं उसको हम क्या कहेंगे ऑटोट्रॉप्स इसमें ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ मतलब ऑटो मींस खुद से ऑट्रॉप्स मींस नरिशमेंट मतलब क्या हो गया पोषण खुद को पोषण मतलब नरिशमेंट मतलब पो, उसको पालना पोषना नरिशमेंट तो मतलब खुद का जो खुद से नरिश करे खुद को उसको हम क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स ठीक है तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद से बनाता है उसको हम क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और जो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट और जो ऑर्गेनिज्म खुद से नहीं प्लांट के ऊपर या फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स यहाँ पे देख रहे हो हेट्रोज और यहाँ पे क्या दिया हुआ है ऑटो तो ऑटो मीन्स क्या होता है सेल्फ और हेट्रो मीन्स क्या होता है अदर मतलब दूसरे के ऊपर सेल्फ मीन्स खुद के ऊपर और ट्रॉप्स मीन्स तो सेम हो जाएगा दोनों में ट्रॉप्स ट्रॉप्स दिए हुए हैं तो मतलब नरिशमेंट जो खुद से नरिश करे उसको ऑटोट्रॉप्स कहेंगे जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहे हेट्रोमस मीन अदर जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहे उसको हम क्या कहेंगे हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे समझ आया चलो आगे क्या दिया हुआ है पहली टू नो व्हाई और बॉडी कैन नॉट कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू आखिर जो हमारा बॉडी है इसमें दूसरा एक क्या दिया हुआ है कॉन्सर्न कि जो हमारा जो बॉडी है वो जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और मिनरल से अपना भोजन बनाते हैं हमारा बॉडी क्यों नहीं बना सकता है ठीक है इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इसमें जो बॉडी में हमारे बॉडी में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है ये सारी चीजें रहती हैं हमारा बॉडी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस प्रोड्यूस बाय आवर सेल्स हमारे सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वाटर भी रहता है मिनरल्स भी प्रेजेंट रहते हैं लेकिन क्या नहीं प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है ठीक है अब आगे बहुत सारी चीजें हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आ, जो भी फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट नाउ में मतलब फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहाँ रहता है वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स क्या uh, जो भी फूड है क्या प्लांट के सारे पार्ट में uh, प्रिपेयर होता है या फिर कहीं एक डिफाइंड जगह डिफाइंड ऑर्गेन होता है वहां पर जो प्लांट है अपना फूड प्रिपेयर करता है ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे देखो ये जो हम लोग का टॉपिक है क्या है आगे फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट क्या दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अब हम लोग पढ़ेंगे फूड मेकिंग जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस मतलब जिसके द्वारा जो प्लांट है अपना क्या करते हैं भोजन बनाते हैं देखो इसमें क्या दिया हुआ है लिव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट जो लिव्स होते हैं वो प्लांट के फूड फैक्ट्री होते हैं मतलब वहाँ पर जो होता है भोजन बनता है क्यों क्योंकि प्लांट में वहाँ पर वहाँ जो लिव का पार्ट होता है वो क्या होता है ग्रीन कलर का होता है वो क्यों ग्रीन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल के प्रेजेंट रहने के वजह से जो लिव्स हैं वहाँ पर क्या होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है और क्लोरोफिल के प्रेजेंस होने के वजह से वहां पर क्या बनता है भोजन बनता है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इस चीज के बारे में कि हमारे बॉडी में सब कुछ प्रेजेंट रहता है लेकिन फिर भी वो अपना भोजन खुद से क्यों नहीं बना पाता है क्योंकि क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है तो और एकदम ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा वहां पर भोजन बनेगा प्लांट के द्वारा तो और इसी वजह से जहां पर भोजन बनता है हम लोग कहते हैं ना कि फैक्ट्री में रॉ मटेरियल से बहुत सारी चीजें बन रही हैं तो वैसे ही प्लांट का जो फैक्ट्री फूड फैक्ट्री होता है वो क्या होता है लीफ होता है या फिर ऐसे भी तुम लोग के दिमाग में मतलब एक बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आते होंगे कि जो भी प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं जो ग्रीन होते हैं क्या वहाँ पर भी फूड प्रिपेयर होता है यस ऑब्वियसली बिकॉज वहाँ का जो पार्ट है वो ग्रीन है तो वहाँ पर मीन्स डैट क्लोरोफिल प्रेजेंट है और क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो प्लांट जो है उस पार्ट से भी अपना भोजन क्या करेगा प्रिपेयर करेगा ओके okay? एक और देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर लिव्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है पहले अभी यहाँ पे तो देखो देआर फॉर ऑल रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लिफ इस वजह से क्योंकि फू लिफ जो है मेनली जितने प्लांट हैं हम लोग अभी सारे प्लांट को लेकर के बात कर रहे हैं तो जितने प्लांट हैं उसमें जो लिव उस जो लिव जो भी लीव्स होते हैं उसका कलर क्या होता है ग्रीन होता है चाहे वो बड़े बड़े प्लांट हों बहुत बड़े बड़े तो उसके भी लिवस क्या होते हैं ग्रीन होते हैं ठीक है तो इस वजह से जो भी रॉ मटेरियल्स हो गए क्लोरोफिल सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया मिनरल्स हो गया ये सारी चीज़ें क्या हो क्या होनी चाहिए वहां पर पहुंचनी चाहिए जब फैक्ट्री जो है जब तक वहां पे रॉ मटेरियल्स पहुंचेगा नहीं तब तक वहां पे कोई भी चीज़ कैसे बनेगा जैसे कि एक कपड़ा बनाने के लिए कॉटन जो भी मतलब कॉटन का धागा चाहिए कॉटन का मतलब क्लॉथ बनाना तो उसके लिए धागा चाहिए मशीन चाहिए जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है मशीन है और धागा है ही नहीं तो कहाँ से बनेगा तो इस वजह से जो लिव है फूड फैक्ट्री तो कहा आया तो अब वहां पे जितने रॉ मटेरियल्स हैं वहां पे पहुंचने चाहिए इस वजह से जो वाटर और मिनरल्स शॉयल में प्रेजेंट रहते हैं वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट के किस पार्ट के द्वारा रूट्स के द्वारा और वो कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ब्रांचेस और स्टेम्स के थ्रू लीव्स के पास और जो इसके बाद है वो नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज क्या दिया हुआ है थ्रो द टी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लिव मतलब किसके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके थ्रू लिया जाता है लिवस में जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं उसके थ्रू क्या करता है लिव अपना कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है लिवस के थ्रू लेता है फ्रॉम द एटमोसफेयर और जो पोर्स है उसको क्या कहते हैं हिंदी में छेद कहते हैं छोटे 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 छिद्र ठीक है दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गॉड सेल्स सच पोर्स आर कॉल्ड एस्टोमाटा और ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर इसको ऑब्जर्व किया जाता है तो इसको हम लोग मैग्निफाई करके देख सकते हैं तो जो ये छोटे छोटे पोर्स है मान लो ये छोटा पोर है ठीक है छोटा सा -चोट छेद है ये हम लोग जब माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं तो इतना बड़ा दिख रहा है ठीक है तो हम लोगों ने उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो छोटे छिद्र हैं ये किस चीज से सराउंड मतलब इस, ये किस चीज से घिरा हुआ है गार्ड सेल से घिरा हुआ है ये जो गार्ड सेल यहाँ दिया हुआ है इससे क्या है ये घिरा हुआ है और इस पोर को जो ये गार्ड सेल है जिस पोर को घेरा है इस पोर को हम क्या कहेंगे स्टोमाटा कहते हैं मतलब ये जो छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट रहेंगे जितने भी छिद्र उसको हम लोग प्रत्येक छिद्र पोर को हम क्या कहेंगे स्टोमाटा कहेंगे ठीक है मान लो एक एग्जाम्पल ले लो एज फॉर मतलब एग्जाम्पल की एक लीफ है लीफ का छोटा सा पार्ट है इसमें दस छिद्रे है, प्रेजेंट है तो हम लोग क्या कहेंगे इसमें दस स्टोमाटा इस प्रेजेंट है और वो दसो स्टोमाटा एक एक गार्ड सेल से सराउंडेड है मतलब उससे घिरा हुआ है जैसे कि ये सराउंड जैसे कि ये छोटा सा बॉल है इसको ये किस चीज से घिरा हुआ है ऊपर से इसको कपड़े से बांध करके रखा हुआ है तो वैसे ही गार्ड सेल क्या करता है इस को प्रोटेक्ट करता है अब देखो क्या दिया हुआ है एक इसमें बोजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स सच रूट्स टू रीच द लिव्स मतलब इसमें क्या दिया हुआ है आगे का हमारा ये हम लोग ये पढ़ेंगे इसमें कि जो वाटर और मिनरल्स रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के रूट के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है तो वो लिव्स तक कैसे पहुंचता है जो ये वाटर मिनरल्स हैं ये कैसे पहुंचते हैं आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेल्स विच रन्स लाइक पाइप थ्रू द रूट द स्टेम एंड द ब्रांचेज एंड द लिव्स ये जो वाटर और मिनरल है ये किस चीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है लिव तक बाई द वेसेल्स जो वेल्स प्रेजेंट रहते हैं प्लांट के अंदर जो कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है वेसेल्स रूट से लेकर के रूट से होते हुए स्टेम तक आता है स्टेम से होते हुए ब्रांच तक ब्रांच में जाता है और फिर ब्रांचेस में ना लीव्स प्रेजेंट होते हैं तो रूट से स्टेम फिर स्टेम से ब्रांच एंड देन एट लास्ट लिव तो यानी कि जब ये जो वेसेल्स हैं ये रूट से वाटर मिनरल को एब्जॉर्व करते हुए स्टेम तक लाएंगे स्टेम से ब्रांचेस एंड लीव्स तक फाइनली पहुंचा देते हैं और ये जो वेसल होते हैं ये कॉन्टिन्यूसली मतलब एक बिना किसी रुकावट के जैसे कि ये एक लंबा पाइप है ठीक है तो, तो ये लंबा पाइप में मतलब ये बिल्कुल स्मूथली ये पाइप जो है कॉन्टिन्यूसली चलते जाता है यहाँ एक ब्रांच प्रेजेंट है तो इसमें ये पाइप चला जाएगा इधर ब्रांच प्रेजेंट है इधर चला जाएगा फिर यहां से इधर ब्रांच प्रेजेंट है तो यहां से ये यह पार्ट इधर भी पाइप जाएगा और ये वेसल फिर यहां भी चला जाएगा ताकि जो भी रूट से यहां से रूट से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब किया गया तो ये वाटर मिनरल इस पाइप से जा होते जा हुए इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा ठीक है और इस पाइप को हम क्या कहते हैं वेशल्स कहते हैं और ये देखो क्या दिया यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन द इन प्लांट्स इन चैप्टर इलेवन और इस इसके बारे में कैसे मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं और भी बहुत ज्यादा डिटेल्स हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे हमारे बुक में चैप्टर इलेवन में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे एंड फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स ताकि मैं बहुत जो भी अलग अलग वीडियोज डिफरेंट टॉपिक्स के मैं अपलोड uh, करूँ तो तुम्हें इंस्टेंटली uh, नोटिफिकेशन मिल जाए सो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू गॉट इट द मोर वीडियोज़ एंड मोर थिंग्स फॉर योर नॉलेज विच इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू दैट्स ऑल थैंक यू अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से